लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन के बाद दोनों ही टीम्स काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। स्क्वाड काफी बैलेंस दिखाई दे रहा है, जहां एक और राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान यानी संजू सैमसन को पहले ही रिटेन कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को रिलीज किया। बड़ा दाव खेला ऑक्शन के दौरान और आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ी बोली लगाई ऋषभ पंत पर। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया है और यह अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि आईपीएल 2025 में एलएसजी की कप्तानी ऋषभ पंत करने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या परफेक्ट फुल स्ट्रेंथ के साथ प्लेइंग 11 रहने वाली है आईपीएल 2025 में, पूरी प्लेइंग 11 हम देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बाकी सभी आईपीएल टीम्स की परफेक्ट प्लेइंग 11 पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बात की जाए अगर राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की तो ओपनर्स इनके सॉर्टेड हैं। यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन पहले ही रिटेन कर लिया था, दोनों प्लेयर्स ओपन करने वाले हैं और लास्ट ईयर भी अच्छी खासी ओपनिंग साझेदारी इनके बीच में दिखाई दी थी। मिडिल ऑर्डर में नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल रहने वाले हैं तो वहीं फिनिशर के तौर पर सिमरन हेटमायर, वनिंदु हसरंगा रहने वाले हैं। बॉलर्स के तौर पर बड़ी सेंसेशन पुराने बॉलर को इन्होंने साइन किया है जोफ्रा आर्चर को, और जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में खेलते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। इनका साथ तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा और आकाश मधवाल देने वाले हैं। तो वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर संदीप शर्मा इनकी टीम में एज इंपैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाने वाले हैं। बात की जाए लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श यहां पर ओपन करने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत, निकलस पूरन, आयुष बदोनी रहने वाले हैं। फिनिशर की भूमिका डेविड मिलर और अब्दुल समद निभाने वाले हैं। बॉलर्स के तौर पर रवि बिश्नोई, आवेज खान, आकाशदीप, मोहसिन खान रहने वाले हैं। तो वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लखनऊ में भूमिका मयंक यादव निभाने वाले हैं। तो ये तो रहने वाली है ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है दोनों ही प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें अभी बताएं। आईपीएल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।